Hello everyone, first of all, Assalamualaikum. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel, Loyal Online Earning. जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही चैट जीपीटी मीन्स के AI इंटेलिजेंस ने दुनिया में कदम रखा है, किसी भी मुल्क में उसने कदम रखा है, तो वहाँ पर जो जॉब्स हैं मीन्स के कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर और ब्लॉग राइटर ख़त्म हो चुके हैं। लोग खुद ही उनको यूज़ करके, उस वेबसाइट को यूज़ करके अपने काम को कंटिन्यू रखा हुआ है, ठीक है। उन्हें किसी भी आर्टिकल राइटर को पे नहीं करना पड़ता, ना कंटेंट राइटर को पे करना पड़ता है, ना ही ब्लॉग राइटर को पे करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ जिससे आप बस उसको कमांड देते हो, वो आपको राइट करके दे देता है। आपको किसी भी चीज़ की, आपको किसी भी शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर एक जगह इस चीज़ के एडवांटेजेस हैं, तो दूसरी जगह इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेबसाइट्स और कंपनीज है वो AI को एक्सेप्ट नहीं करती है, कहती है कि हमें इसमें ह्यूमनाइज टच चाहिए। तो आपने क्या करना है, तो आपको सिंपल एक पेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि फुली AI कंटेंट होगा। आपने उसको ह्यूमन टच देना है, मींस कि आपने अपना अंदर एडिशन ऐड करना है। अब वो हमने कैसे करना है, सिर्फ आपने, आपको सिर्फ एक पेज प्रोवाइड किया जाएगा या फाइल दे दी जाएगी, आपने उसको बस ह्यूमनाइज में तब्दील करना है, ह्यूमन टच आपने उसको देना है, ठीक है। बहुत ईजी वर्क है, राइटिंग के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। हमने विदाउट फेवर, विदाउट अपवर्क, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। बहुत ईजी वर्क है, विदाउट फाइवर, विदाउट अपवर्क हमने इस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले हम काम सीख लेते हैं कि हमने करना कैसे है। तो सिंपल आपने आ जाना है गूगल पर, जैसे कि मेरे सामने चैट GPT ओपन है। जैसे कि आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा जो फुली AI कॉन्टेंट होगा, तो जो भी आपको AI कॉन्टेंट दिया जाएगा आपने सिंपल उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है स्पिन बोट में। आपको अपना दिमाग भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके कंटेंट को रीराइट कर देगा, मींस के इसके अंदर जो AI की प्लेजरिज्म है सारी रिमूव हो जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूफ भी दे दिया है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने सिंपल बेसिक स्पिन पर क्लिक करना है। ये जो आपका AI कॉन्टेंट है इन ह्यूमनाइज कॉन्टेंट में चेंज हो जाएगा, मीन्स के आपने अंदर अपना ह्यूमन टच दे दिया है, आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सिंपल आपने इस वाले मटीरियल को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है MS वर्ड में, मींस कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से MS वर्ड डाउनलोड कर लेना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपने किसी भी किस्म का पे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल अपनी फाइल को कर लेना है जी पेस्ट, और यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत आपने फॉर्मेटिंग कर लेनी है, ठीक है। जहाँ जैसे कि इसका स्पेस है, आपने इसका स्पेस कम कर देना है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी बना लेनी है फाइल, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में करके दिखाया हुआ, तो मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आपने इसको इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं। आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। आपने इस तरह अपने AI कंटेंट को ह्यूमनाइज कंटेंट में चेंज कर देना है, सिर्फ एक क्लिक से आपने ये काम कर दिया है। आपने खुद भी अपना माइंड यूज़ नहीं किया, खुद अपने वर्डिंग अंदर ऐड नहीं की, आपने सिंपल गूगल पर आए। गूगल पर आने के बाद आपको जो चैट GPT का मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, फाइल दी गई थी, आपने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप आ गए स्पिन बोर्ड पे, यहाँ पर आपने उसको रीराइट कर दिया। ये था AI कंटेंट, ये है जी हमारा अपना ह्यूमनाइज कंटेंट जिसको हमने रीराइट कर लिया है। सारी वर्डिंग इसकी चेंज हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेल बींग इज अ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज दैट फ्रीक्वेंटली स्लिप बाय एवरी वन नोटिस अंटिल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वर्डिंग कंप्लीट चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर AI प्लेजरिज्म नहीं आएगा, AI कंटेंट का कॉपीराइट नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने आपको काम बता दिया है, सिंपल आप इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है MS वर्ड में, यहाँ पर आपने इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर लेनी, जो कि मैंने आपको करना बता दी है। सिंपल आपने इसका जो फालतू स्पेस है आपने उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरह करके आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी, जो हैडिंग्स है आपने उनको हाईलाइट कर देना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में हैडिंग है तो आपने अंदर अंडरलाइन कर लेना है, और उसका जो फॉन्ट है वो आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने जो नीचे आपकी जो वर्डिंग है उसको आपने इटैलिक कर देना है। इटैलिक करने के बाद आपने इसका फॉन्ट वही रखना है जो आपने ऊपर रखा है, ठीक है, ज़रा सा भी आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। इस तरह आपने इसको फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है, ये जो आपकी फ़ाइल है वो आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। इस तरह आपने ये फ़ाइल अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर देनी है। अब कौन सी कंपनी के साथ हमने वर्क करना है, तो हम चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट की तरफ। मेरे सामने खुला हुआ है जी KWork, यहाँ पर मैंने लिखा है AI कंटेंट एडिटर। यहाँ पर सिर्फ 104 सर्विसेज अवेलेबल है, मीन्स के 104 लोग इस सर्विसेज पर वर्क कर रहे हैं, और दिन का ये $10 अर्न कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान रुपीज़ में 22,800 समथिंग बनता है $10, ठीक है। सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, AI कंटेंट को इन ह्यूमनाइज कंटेंट में चेंज कर रहे हैं,
सिर्फ एक क्लिक से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपने AI एडिटर के तौर पर वर्क करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल प्रोफेशनली एडिट योर AI कंटेंट, रीराइट इट एंड ह्यूमनाइज्ड। मैं आपका AI कंटेंट प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकता हूँ, उसको रीराइट कर सकता हूँ और उसको मैं टेस्ट भी दे सकता हूँ, जो कि मैंने आपको करना सिखाया। जैसे कि आपको ChatGPT की फाइल दी जाएगी, आपने उसको कॉपी करके स्पिन बोर्ड पर आना है। यहाँ पर आपने उसको स्पिन कर देना है जैसे कि मैंने आपको करना सिखाया, ठीक है। सिंपल आपने उसको कॉपी करना है, MS Word में आना है, यहाँ पर अपने फाइल तैयार कर लेनी और अपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है, सिंपल, ठीक है। और आप एक दिन के 2800 ईजिली अर्न कर सकते हैं अगर आप इस पर मेहनत करते हैं। अब मेन बात आती है कि हमने इस पर प्रोफाइल कैसे बनानी है, तो मैं इस पर दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन भी अटैच है और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी तो आपको तो सारा काम समझ आ गया होगा हमने करना क्या है। यहाँ पर अब 104 सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब कि 104 लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, अभी इस पर प्रोफाइल बन रही है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फाइवर और अपवर्क पर कंपटीशन थोड़ा टफ है, वहाँ पर आपको इन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम वहाँ पर भी आपको मिल जाता है लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको आपको अगर एक ऑर्डर मिल जाता है तो आपको रेटिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने 4 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और उसके पास रेटिंग भी मौजूद है, ठीक है, आपके सामने प्रूफ है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी काम करते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ से आप विथड्रॉवल जो है बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। मैंने दो वीडियोज़ ऑलरेडी इस पर अपलोड की हुई है कि आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है, कॉन्टेंट कैसे तैयार करना है, तमाम डिटेल उन्हीं दो वीडियोज़ में है, ठीक है। और ये एक न्यू सर्विस आई थी AI कॉन्टेंट एडिटर, जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बहुत आसान वर्क है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होती है, ठीक है, अगर आप इसे अवेयर कर लेते हैं। मेहनत करनी, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, आपने भी अपना हार्ड वर्क इन्वेस्ट करना है। बहुत आसान सा वर्क है, सिर्फ एक क्लिक से आपने अपनी फाइल रेडी करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर आकर अपनी प्रोफाइल बनानी है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर फाइवर की तरह आपने प्रोफाइल बनानी होती है, सिंपल, ठीक है। और अपना जो KWORK है यहाँ पर अपलोड करना होता है, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसकी प्रोफाइल खोलकर दिखा देती हूँ। सिंपल एज आपने भी ऐसे ही अपना KWORK तैयार कर लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स आप यहाँ से 1000 वर्ड्स के आपको 1000 वर्ड्स का जो AI कॉन्टेंट है आपको ये एडिट करके दे सकता है, ठीक है। इस तरह की आपने भी प्रोफाइल बना लेनी, मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाई हुई है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। ये थी जी आज की वीडियो राइटिंग के अकॉर्डिंग, कि आप कैसे राइटिंग का वर्क करके एक दिन का एक पेज राइट करके उसको अच्छे तरीके से एडिट करके सेंड करके आप कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और जो आपने वर्क सेंड करना है वो आपने सिर्फ ईमेल के थ्रू सेंड करना है, किसी भी किस्म का आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, ना आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना टेलीग्राम, किसी भी किस्म का आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। ये वेबसाइट आपसे खुद ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करती है, अगर आपका क्लाइंट हो तो वो भी आपसे ईमेल के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करता है। ये थी जी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो किसी भी वजह से इन्फॉर्मेटिव लगी हो या मेरा हार्ड वर्क वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।